राजस्थान कांग्रेस में संकट के बीच बीएसपी पार्टी भी हुई एक्टिव, आकाश आनंद ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान कांग्रेस में मची कलह के बीच मायावती की बीएसपी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की राज्य इकाई के साथ सोमवार को बैठक की। बहुजन समाज पार्टी ने एक बयान में कहा है कि बैठक में आकाश आनंद ने राज्यों को दो जोन में विभाजित किया है। पहले जोन में 16 जिला तथा दूसरे जोन में 17 जिला आता है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और प्रदेश इकाई के प्रमुख भगवान सिंह बाबा को पहले जोन का जिम्मा सौंपा जाएगा। वहीं बसपा नेता अशोक सिद्धार्थ, सुरेश आर्य तथा सीताराम मेघवाल को दूसरे जोन की जिम्मेदारी दी जाएगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अनुशासनहीनता के लिए बसपा के निष्कासित किए गए 12 लोगों को वापसी की घोषणा भी की है। आकाश आनंद ने ट्विटर पर बैठक से पहले कहा, राजस्थान विधानसभा चुनाव हमारे समाज के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट किया, आज बीएसपी राजस्थान प्रदेश की बैठक में यह तय किया गया है कि आने वाले 2023 में हर हाल में राजस्थान में बीएसपी को बैलेंस ऑफ पावर बनाकर सरकार बनानी है। सभी जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्षों से मिल आश्वासन ने उम्मीद जगी है कि इस बार राजस्थान में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। निकाले गए नेताओं को दोबारा पार्टी में लेने के फैसले को लेकर उन्होंने कहा है, बीएसपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है और कभी परिवार के सदस्य गलती हो जाए तो उसे दिल से नहीं लगाया जाता। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद आदरणीय मायावती जी से माफ़ी मांगने के बाद निष्कासित हुए सभी 12 कार्यकर्ताओं को पार्टी में वापस लेने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत प्रदान करने के लिए आदरणीय मायावती जी के निर्देश से राजस्थान को दो जोन में बांटा गया है। पहले जोन में 16 जिला रखे गए हैं और दूसरे जोन में 17 जिला रखे गए हैं।